बाहुबली के आज के चैप्टर में हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिस पर महिला गायिका से रेप का केस चला, सजा हुई और अपने काले कारनामों की वजह से वो हर चर्चा में रहा। कभी प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद से लेकर गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी जैसे उसके चर्चे थे। वो भदोही के माफिया के नाम से जाना जाता था। नाम है विजय मिश्रा। विजय कुमार मिश्रा का जन्म 7 सितंबर 1957 को हुआ। जन्म प्रयागराज जिले के खपटिया गाँव में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि विजय मिश्रा तेज तर्रार स्वभाव का था, मजबूत कदकाठी थी और शातिर दिमाग था, इस वजह से लोगों में उसकी अच्छी पैठ थी। नौकरी की तलाश में भदोही चला गया। यहाँ एक कालीन व्यापारी के यहाँ उसने वसूली की नौकरी करनी शुरू कर दी, यानी लोगों से पैसे वसूलता था। 1980 के आसपास की बात है जब विजय मिश्रा ने भदोही के एक पेट्रोल पंप पर काम किया और कुछ ही टाइम बाद ट्रकों को खुद ही खरीद कर ट्रांसपोर्ट के धंधे में उतर गया। इस ट्रकों के धंधे में लोगों से उसकी दुश्मनी भी हो गई, लोग उसे धमकाते, वो परेशान रहता। इसी बीच उसने अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने कांग्रेस नेता पंडित कमलापति जी के साथ अपनी खासी दोस्ती बढ़ा ली। उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, तभी इससे बच पाओगे। यहाँ से विजय मिश्रा के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, यहीं से राजनीतिक सफर उसका शुरू हुआ। पूर्वांचल में गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का नाम मशहूर था, लेकिन क्योंकि भदोही और बनारस तक उनकी पैठ नहीं थी, इसी का फायदा विजय मिश्रा ने उठाया और ब्राह्मणों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। उस समय भदोही के बाहुबली उदयवान उर्फ डॉक्टर सिंह से ब्राह्मण काफी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने विजय मिश्रा को अपना नेता मान लिया। इधर विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी से अपने संबंध मजबूत किए और उन्हीं के जरिए राजीव गांधी तक अपनी पहचान बनाई, उनसे रिश्ते आगे बढ़ाए। इसी तरह दाव पेच खेलकर वो पहली बार ज्ञानपुर के डी से ब्लॉक प्रमुख के लिए चुना गया। 1980 से 90 के दशक में उसकी दबंगई और धाकड़पन के काफी चर्चे थे। राजीव गांधी की इस बीच मृत्यु हो गई और उसके साथ ही कांग्रेस से विजय मिश्रा का नाता भी खत्म हो गया। विजय मिश्रा का साम्राज्य पूरे पूर्वांचल में फैला था। इनमें भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज और लखनऊ तक में उसके कारनामे मशहूर थे, जो कि बाद में मुलायम सिंह यादव तक पहुंचे। साल 2000 में मुलायम सिंह यादव का साथ विजय मिश्रा को मिल ही गया। मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को ज्ञानपुर के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा, क्योंकि शिवकरण ने लोगों के बीच में मुलायम सिंह यादव से बदतमीजी कही थी। मुलायम ने उसको जिला पंचायत अध्यक्ष के 3 टिकट दिए, ज्ञानपुर, भदोही और मिर्जापुर, तीनों ही सीट पर वो जीत गया। यहाँ उसका राजनीतिक कद बढ़ने लगा। अब उसने समाजवादी पार्टी से विधायक का टिकट मांगा, जो उसको मिला भी। 2005 में अपनी पत्नी रामलली मिश्रा को जिला पंचायती सौंपकर 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही विधायक बन गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी से 2007 में भी चुनाव लड़ा और 2012 में जेल में रहते हुए चुनाव जीता। मुलायम सिंह यादव से नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में भदोही के उपचुनाव चल रहे थे। एक ही मंच पर मुलायम सिंह यादव थे और विजय मिश्रा भी था, लेकिन विजय मिश्रा मायावती के टारगेट पर था, इसीलिए पुलिस वहां पर पहुंची थी विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव ने सभा को संबोधित किया और विजय मिश्रा को उसके बाद हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ उड़ा ले गए। 2010 की बात है जब बीएसपी नेता नंद गोपाल नंदी पर जानलेवा हमला हुआ। वो तो बच गए, लेकिन उनके सहयोगी और एक पत्रकार की इसमें जान चली गई। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती ही सरकार में थी। इसके बाद विजय मिश्रा पर कई मुकदमों की झड़ी लग गई। फिर बात 2012 की है, विधानसभा चुनाव होना था, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। मायावती विजय मिश्रा पर दबाव डाल रही थी कि वो उनकी राजनीतिक सहायता करे और बीएसपी प्रत्याशी को चुनाव जितवाए, लेकिन विजय मिश्रा अक्खड़ दिमाग कर रहा है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के सीधे निशाने पर आया और उसने क्योंकि मना कर दिया था। पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश में थी, लेकिन विजय मिश्रा ने चालाकी दिखाते हुए साधु का वेश धारण किया, दाढ़ी बढ़ाई और अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि पुलिस आत्मसमर्पण से उसको रोक रही थी। विजय मिश्रा ने 2012 के विधानसभा चुनाव लड़े, वो भी जेल में रहकर, और विधायकी भी जीती। इसके बाद साल 2014 की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा की एक और काली करतूत सामने आई। उसने बनारस की एक गायिका को अपनी बेटी के चुनाव प्रचार में गाने के लिए बुलाया था। 1 जनवरी 2014 को वो परफॉर्मेंस के लिए अपने कपड़े बदल रही थी, उसी वक्त पूर्व विधायक उसके कमरे में गया। उसने हथियारों के बल पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उसने अपने बेटे विष्णु और पोते ज्योति मिश्रा को उसे वापस वाराणसी छोड़ने के लिए भेजा। रास्ते में उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया। इसके बाद तो एक सिलसिला शुरू हो गया। विजय मिश्रा उसे अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेप करता, विरोध करने पर ब्लैकमेल करता और 6 साल तक तंग करता रहा। जब 6 साल तक वो तंग होती रही तो उसने आखिरकार केस दर्ज करा दिया। भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 336D, 342 और 506 के तहत केस दर्ज था। इस केस की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 15 साल की कैद की सजा सुनाई। यहाँ से विजय मिश्रा का समाजवादी पार्टी से मामला गड़बड़ा गया। फिर 2017 में चुनाव आए।
अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा का टिकट काट दिया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी बाहुबली विरोधी छवि को पुख्ता करने के लिए अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी दोनों से दूरी बना ली। ये संदेश दिया कि अगर विजय का टिकट कटा है तो मुख्तार को भी गले नहीं लगाया। और कम लोग ये जानते हैं कि विजय माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के प्रमुख रणनीतिकारों में था। मिर्जापुर से लेकर तमाम क्षेत्रों में अंसारी के लिए काम करना, गुर्गों को शरण दिलाना, सब कुछ करना, ये सब काम विजय मिश्रा के भरोसे पर चलता था। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद उसने कोसना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी को, कहा कि तो यादवों की पार्टी है। इसके बाद उसने निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इन सब से वो लड़ा और आखिरकार मोदी लहर में उसने 20,000 से ज्यादा वोटों से ज्ञानपुर सीट पर जीत हासिल की। 2018 में विजय मिश्रा को निषाद पार्टी से भी निकाल दिया गया, वो भी तब जब वो विधानसभा का एकमात्र सदस्य था, क्योंकि उसने राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया था। निषाद पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और विजय मिश्रा की मायावती से तो पुरानी अदावत थी ही। 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। 2023 की बात है जब गायिका से रेप के मामले में भदोही की एक विशेष अदालत ने उसको दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इस मामले में उसके बेटे और पोते को बरी कर दिया गया। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, ऐसे में उसके जेल से बाहर आने की संभावनाएं कम है। यूपी पुलिस ने उसके पेट्रोल पंप पर छापे मारकर हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया, एक AK-47 बरामद की गई। फिलहाल आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा के खिलाफ 83 केस दर्ज हैं, इनमें अभी केवल 3 मामलों में सजा हुई है जबकि इसके खिलाफ 14 केस विचाराधीन है। अपहरण, रेप, हत्या से लेकर गैंगस्टर वसूली और धोखाधड़ी के केस विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इनमें 9 हत्या के मामले हैं, हत्या के प्रयास के 8, रेप के 2, गैंगस्टर के 3, जालसाजी के 4, शस्त्र अधिनियम के 7, धमकी देने के 9, रासुका के 1, खनन का 1, भ्रष्टाचार का 1, अपहरण के 2, जबरन के 6, SC/ST का 1, गुंडा के 3, इसके अलावा 26 केस और दर्ज हैं। सबसे ज्यादा केस भदोही में दर्ज किए गए हैं, वो है 50, प्रयागराज में 27, मिर्जापुर में 3, वाराणसी में 1, मेरठ में 1, वेस्ट बंगाल में भी 1 केस दर्ज है। इन आंकड़ों को देखकर उसकी करतूतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। उसको आर्म्स एक्ट में 2 बार सजा हो चुकी है, इसमें पहली बार 2022 में 2 साल की सजा हुई जबकि दूसरी बार इसी साल मार्च में 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना हुआ है। भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के गैंग को D12 के नाम से दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य संगठित होकर अपराध करते हैं। इसका लीडर पूर्व विधायक विजय मिश्रा है, इसमें उसका बेटा विष्णु मिश्रा और भतीजा ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा है, करीबी गिरधारी प्रसाद पाठक है, विकास मिश्रा, हनुमान सेवक पांडे, सतीश मिश्रा और सुरेश केसवानी भी मौजूद है। इन सब के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज है। पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों के नाम से बैंक में जमा पैसों को और बाकी चल अचल संपत्ति को कुर किया है। अलग अलग खातों में जमा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि को जब्त किया गया। इसके अलावा यूपी और मुंबई में भी उसने कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी जिस पर ईडी का शिकंजा कसा है। फिलहाल आज के बाहुबली के इस चैप्टर में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।